हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब देख रहे हो इरफान कंप्यूटर सेंटर। इस चैनल में आज हम बताने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम कंपनी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। न्यू कंपनी हमको क्रिएट करना हो तो किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो टैली प्राइम को हम सबसे पहले ओपन करते हैं। टैली प्राइम के अंदर हम आज बताने वाले हैं कि अगर कंपनी बनाते समय कुछ चेंजेज या कुछ गलतियाँ या कुछ अलग चीज़ आपने डाल दी हो तो उसमें चेंज भी करना हम बताएंगे, और कंपनी क्रिएट कोई कंपनी बना रखी है आपने तो उसको शट डाउन उस कंपनी को बंद कैसे करते हैं वो भी बताएंगे इस वीडियो में। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना, आप हमारी स्किप बिल्कुल मत करना। ये एक छोटी सी दिक्कत, आपको छोटी सी गलती बिल्कुल ही आपके वर्क करने में दिक्कत आ सकती है। तो हम एजुकेशन मोड पे एंटर करके देखते हैं। एंटर कर लिया हमने एजुकेशन मोड पे। फिर यहाँ पर हमारे को पहले से ही मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रखी है तो इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है मेरे सामने। अगर आपको कंपनी न्यू क्रिएट करनी है तो अपने कीबोर्ड से F3 दबाओ प्रेस करके, और यहाँ पे देख सकते हो सेट कंपनी। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर कोई कंपनी सेट करनी हो तो यहाँ पे सेट कंपनी करके वहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। क्लिक करके आप कंपनी को सेट कर सकते हो। फिर सिलेक्ट कंपनी, अगर इस कंपनी में वर्क नहीं करना चाहते हो, किसी और कंपनी में वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे वर्क करके वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अल्टर कंपनी, अगर कंपनी बनाते समय कुछ चेंजेस कर दी हो या कोई ऐसी चीज़ गलती कर दी हो तो यहाँ पे अल्टर करके उस कंपनी को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आता है हमारा न्यू कंपनी क्रिएट कंपनी, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे हम। एंटर करने के बाद आपके सबसे पहले तो कंपनी का नाम मांगेगा, तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी का नाम होगा नाम डाल देंगे। मिलेन नेम आपको बिल्कुल सेम आएगा, मिलेन नेम आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका एड्रेस, एड्रेस भर दो आपका। इसके बाद नीचे आप डाल दो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डाल दो। ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे आपका जो स्टेट है स्टेट डाल दो आप, फिर ब्रैकेट बंद एंटर कर दो। और यहाँ पे आपका कौन सा स्टेट है, जौन से भी स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट का नाम डाल दो। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टेट का नाम डाल दिया, और जौन से स्टेट में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहाँ का पिन कोड नंबर डाल दो इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेलीफोन नंबर, अगर टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल दो। जैसे कि मैं अपना नाम नंबर डाल देता हूँ इस प्रकार से, मैंने अपना टेलीफोन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर। फिर ईमेल, अगर आपका कोई मेल है तो ईमेल भी भर सकते हो यहाँ पर। तो बिना स्पेस दिए यहाँ पर अपना मेल भी भर सकते हो, कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे उस वेबसाइट की लिंक भी डाल सकते हो। अब हमारा ये रहा हमारा डेट, यहाँ पर आपको डेट चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डेट चेंज कर दोगे। हमने फिर से 1/4/2022 कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रुपीज़ का सैम्पल आपको दिख रहा है। तो हमारे इंडियन रुपीज़ का सैम्पल क्या है, इस प्रकार से सैम्पल हमारे इंडियन रुपीज़। फिर हमारे फॉर्मूल नेम, हमारा इंडियन रुपीज़ का नेम क्या है, INR, इंडियन रुपीज़। हमारा फुल फॉर्म ये होता है इंडियन रुपीज़, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम INR। तो इस पर एंटर कर देंगे, या तो कंट्रोल ए करो तो आपको पूरा ही यस हो जाएगा यहाँ से, या तो एंटर करके देख लो, एंटर कर लो और यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है आपकी जो आपने जो कंपनी क्रिएट करी है वो बिल्कुल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। फिर इसके बाद यहाँ पर होता है ये देखो अकाउंटिंग, ये भी यस करना है हमारे को। इन्वेंट्री, ये दोनों यस कर लेना है। अगर आप GST काटना चाहते हो तो यहाँ पे GST अनेबल कर सकते हो, और अगर TDS काटना चाहते हो तो TDS भी अनेबल कर सकते हो यहाँ से। तो मैं GST पे एंटर करूँगा, और यहाँ पे रेगुलर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मांगेगा आपका ये स्टेट कौन सा है, स्टेट भर देना है। फिर रेगुलर, फिर यहाँ पर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेट चेंज करना है आपको। यहाँ पर हमने 2022 वहाँ पे लिखा था, वही डेट चेंज कर देंगे। फिर आपका GST नंबर जो भी हो, तो यहाँ पे हमने GST नंबर भर दिया मंथली। यहाँ पे बस एंटर एंटर करते जाओ, फिर यहाँ पर आपको एक डेट मांगेगा। फिर यहाँ पर एंटर एंटर करके या कंट्रोल ए से भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पर कर दिया मैंने, और इसको कंट्रोल ए से मैं इसको अब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो
तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो पहले कंपनी बना रखी थी वो भी आ रही है, और अभी जो बनाई है वो भी कंपनी आ रही है। तो मैं इन दोनों में से किसी कंपनी को, एक को हटा दूंगा। तो एल्ट अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करो, और मेरे को ये वाली कंपनी हटानी है, तो इस पर F3 प्रेस करके सट कंपनी पे क्लिक कर दूंगा, और जो भी कंपनी मेरे को हटानी है वो कंपनी ऑटोमेटिकली हट के हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि ये वाली कंपनी मेरे को रखनी थी तो ये वाली आ गई, और वो वाली हटानी थी तो वो वाली हमारी कंपनी चली गई। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। टेली प्राइम की ऐसी वीडियो बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग मिलती रहेगी। थैंक यू।